Afternoon guys, this is PK back again with another video. अब सामने जो फ्रेम में गाड़ी नज़र आ रही है ये आपने मेरे चैनल पे ऑलरेडी देखी हुई है क्योंकि इसका मैंने एक वीडियो बनाया था ओवरव्यू का। हालांकि ये CNG वेरिएंट है और फ्रॉन्क से मारुति की, इसका कंपटीशन में बहुत सारी गाड़ी आती हैं, दसियों गाड़ी हैं। ये एक प्रॉपर हैचबैक है और मारुति नेक्सा का प्रोडक्ट है। बलेनो से नीचे जिन बंदों को बलेनो की वेटिंग है और वो नहीं लेना चाह रहे या नहीं मिल पा रही तो फ्रॉन्क्स ले सकते हैं। मतलब थोड़ी सी श्रेड है और बाकी बलेनो जैसे ही फीचर है, इसमें कुछ एडिशनल फीचर भी आए थे जब फेसलिफ्ट आया था। आज इनके ओनर हमारे साथ हैं और मैं उनको बुलाना चाहूँगा और उनसे आज डिस्कस करेंगे इस गाड़ी के बारे में, लेने का रीज़न क्या था, क्यों ली, उससे पहले क्यों चला रहे थे। तो पूरा वीडियो एंड तक देखना और अपना प्यार बना के रखना। वीडियो अगर मेरा पसंद आ रहा है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल बनाए तो चैनल कर देना सब्सक्राइब। और अब बुलाते हैं जो ओनर को। आइए सर। तो भाई हमारे सामने हमारे भाई आए हैं दिल्ली से, इनका बहुत बहुत स्वागत है भाई हमारे यहाँ पे, क्योंकि ये गर्मी का टाइम है, उमस हो रखी है। भाई ने टाइम निकाला अपने लिए और भाई जो है यहाँ पे है। भाई थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दो अपने बारे में। भाई मेरा नाम किशोर है और मेरा भी एक यूट्यूब चैनल है किशोर ऑटोमोटिव इंडिया के नाम से, जिसमें मैं अपनी गाड़ियों की वीडियोज़ वगैरह ही डालता रहता हूँ। तो आज मैं भाई के पास अपनी फ्रॉन्क्स लेके आया हूँ, CNG वाला वेरियंट है और सिग्मा है, बेसिक बेस वेरिएंट है CNG वाला। देखो भाई ये होता है भाइयों को प्यार, भाई इतनी दूर से टाइम निकाल के उमस के मौसम में भाई आया, भाई ने बोला क्या चलो टाइम निकाल के रिव्यू कराते हैं भाई। तो भाई ऐसे ही आप भी अगर अपनी गाड़ी का रिव्यू कराना चाहते हो तो मेरे चैनल पे आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपसे कॉन्टैक्ट कर लूँगा और फिर हम आपकी गाड़ी का फीचर करेंगे अपने यूट्यूब चैनल पर। अब आपने मेरी ऑडियंस को बता दिया कि ये जो है बेस वेरियंट है और CNG वाला वेरियंट है। तो आप दिल्ली में रहते हो है ना, तो दिल्ली के हिसाब से तो CNG का रीज़न था ही, ऑब्वियसली बात है, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक रहता, माइलेज थोड़ी अच्छी देती है। तो पहले माइलेज के बारे में बात कर लेते हैं कि ये बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में कितना माइलेज देती है। भाई वो माइलेज से बोलने से पहले मैं बताऊंगा कि मेरे को दिल्ली के लिए नहीं, एक्चुअली मेरा ट्रैवल बहुत रहता है, तो उत्तराखंड मतलब राजस्थान ऐसे मैं ट्रैवल करता रहता हूँ, तो वो मेरा बेसिक मेन था कि रीज़न कि ये CNG वाला ले लें, क्योंकि पेट्रोल में ना मेरे पास, इससे पहले मैं आपको बता दूँ, मेरे पास इससे पहले अभी ड्राइवर भी थी, खैर ड्राइवर और ये तो मैंने दोनों साथ रखी है, उससे पहले इटियोस भी थी और उससे पहले वैगनार थी और उससे पहले मेरे पास जो मारुति की वो थी स्टीम थी, तो ये गाड़ियाँ मेरे पास रही है, तो इसलिए मुझे एक CNG वाला वेरिएंट लेना था कंपनी फिटेड, जो कि काफ़ी रिलायबल रहे और मेरे को सरदर्दी ना लेनी पड़े। तो माइलेज के बारे में बताओ मेरी ऑडियंस को, कितनी मिलती है आपको बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में? माइलेज की बात अगर मैं करूँ तो भाई अभी जैसे गर्मी का सीज़न है, गर्मी में CNG की माइलेज थोड़ा सा कम रहती है, तो अगर बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक की बात करोगे और विद AC आपको 150 चल जाती है, 7 से 7.5 kg इसमें आता है, ठीक है। और वहीं AC में अगर आप हाईवे की कंडीशन पे ले आओगे जहाँ पे आप 80, 90, even 100 भी क्रॉस कर दोगे तो ये 225-30 के आसपास कर जाती है आराम से। चलिए ये तो अब भाई ने जैसे बताया कि अभी थोड़ी देर पहले कि मतलब भाई के पास 8-7 गाड़ी रही हैं आपके पास और आपका ट्रैवल ज़्यादा करते हो आप, जैसे उत्तराखंड राजस्थान दिल्ली वैली सब ट्रैवल करते हो, तो उन सब गाड़ियों का काफ़ी लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस रहा आपका, फिर आपने फिर मारुति ले ली, आपने बोला इससे पहले ड्राइवर भी थी, तो ड्राइवर को छोड़ने के क्या रीज़न था वो जानना चाहता हूँ मैं। ड्राइवर ना एक्चुअली एक सबसे अफोर्डेबल 7-सीटर थी, अब क्या था कि 7 लोग ज़्यादा फैमिली में चलते नहीं एक साथ, तो वो गाड़ी खड़ी खड़ी मतलब बर्बाद हो रही थी एक तरीके से आप बोल सकते हो, तो वो मेन रीज़न था कि चल नहीं रही थी इतनी, ऊपर से प्लस ये ले ली ना जितना कंफर्ट इसमें मिलता है CNG की माइलेज है, तो इसीलिए हमेशा यही चल रही थी, तो वो काफ़ी टाइम हो गया था, मतलब साल में लगा लो 4 बार निकली थी वो जब भी दिल्ली से बाहर जाना था, तो सबसे बड़ा मेन रीज़न यही था उसे बेचने का। चलिए ये बताओ कि ये जैसे CNG मिली, हालांकि CNG में बहुत कॉम्पिटिशन है मार्केट में, बहुत सारे इसको कॉम्पिटिशन अवेलेबल है, वैगनार भी है, सिलेरियो भी है, फिर टाटा ने भी आजकल CNG में निकाल दी है, हुंडई ने भी CNG में निकाल दी, मारुति की ब्रांड वैल्यू की वजह से गए या फिर आपको पसंद थी इस वजह से लिया आपने? भैया देखो मेरा ना रिक्वायरमेंट एक तो CNG था, दूसरी रिक्वायरमेंट थी मेरे को ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा सा ऊंची चाहिए थी, बलिनो मुझे बहुत अच्छी लगती है, रिलायबल प्रोडक्ट है नो डाउट, लेकिन ग्राउंड क्लियरेंस था उसका थोड़ा सा लो है, नीचे लग जाता है, जैसे मैंने आपको कहा मैं पहाड़ों वगैरह में ट्रैवल करता हूँ तो वहाँ पे ये नीचे लग जाती थी, अब ये 180 प्लस की ग्राउंड क्लियरेंस है इसकी, 190 mm है तो ये नीचे नहीं लगती। दूसरा CNG वेरियंट, अब इसमें मेरे पास जो माइंड में था वो पंच भी थी, क्योंकि पंच में जो बूट स्पेस वगैरह थोड़ा सा मिल जाता है ट्विन सिलेंडर की वजह से, बट पंच की टाटा की जो सर्विस है ना वो मतलब मेरे खुद के रिलेटिव्स ही रो रहे हैं उसको लेने के बाद, तो वो एक माइंडसेट बन जाता है कि बाई चांस अगर बाई चांस गाड़ी में प्रॉब्लम आ गई तो वो आपको सरदर्दी दे देगी। दूसरा उसका 3 सिलेंडर जो है ना CNG वाले वेरियंट में थोड़ा सा ज़्यादा शोर करता है। चलिए ये तो देखो भाई आप समझ गए, भाई ने बता दिया। इसके सस्पेंशन के बारे में बात कर लेते, सस्पेंशन कैसा है इसका? भाई सस्पेंशन इसका बहुत ज़बरदस्त है, मैं इसको ये लगा लो ऐसे ऐसे गड्ढों में भी तेजी में निकाल देता हूँ ना पता नहीं चलता, इसके सस्पेंशन प्लस इसमें 16 इंचेस के व्हील्स हैं, तो ये गड्ढे को भी ना बहुत आराम से और बहुत अच्छे से टैकल करती है, इससे इतना मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था इससे, बट
काफी अच्छा है, बहुत इंप्रूव कर दिया मारुति ने। ये एक काइंड ऑफ ना बहुत इंप्रूव्ड वर्जन है, आप चला के भी देखोगे ना उसको, आपको खुद ही समझ में आएगा। ब्रेकिंग, ब्रेकिंग भी जबरदस्त है। देखो ब्रेकिंग वगैरह में तो कोई प्रॉब्लम होती नहीं मारुति की गाड़ी में, देखो इंजन वाइज, ब्रेकिंग वाइज और प्रैक्टिकलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ थोड़ा सा ये कि बिल्ड क्वालिटी की बात करें वो थोड़ा सा रहती है, और जो सस्पेंशन की, बट लेकिन आप ये देखो इसको हाथ लगा के देखना, इसका बोनट उठा के देखना। बोनट तो मैंने अपने ऑडियंस को बताया है कि इससे पहले जो मैंने एक ओवरव्यू दिया था उसमें बोनट काफी हैवी था, मुझसे खुला नहीं। मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आपने कुछ इसमें मॉडिफाई भी कराया, मैंने देखा 360 कैमरा लगा हुआ है इसमें, ये आता तो है नहीं बेस में, आपने लगवाया है ना? बेस में नहीं आता, मैंने ये लगवाया हुआ है। इसकी क्वालिटी में मैं आपको दिखा दूंगा अंदर ले जाके, ये एक्चुअली मेरे फ्रेंड की शॉप है, मैंने उससे लगवाया है। 16-17 हज़ार के आसपास पड़ा था, जिसमें स्क्रीन और ये इसके चारों कैमरास वो सब मेरे को मिल गया। और ये एलईडी भी नहीं आती इसमें, हैलोजन आती है, आपने एलईडी सेटअप चेंज कर, एलईडी सेटअप चेंज कराया है ये मैंने, मेरे ख्याल से 220 वाट का लगवाया है। इसका इसका थ्रो भी बहुत अच्छा, इसका थ्रो अच्छा है। तो ये जो 360 आपने लगाया यहाँ पे, इसकी प्लेसमेंट है, बाकी दो कैमरे यहाँ पे जैसे होती है, हाँ यहाँ सेम होती है, तो आप मुझे दिखाओगे मैं आपको की देता हूँ। अच्छा ये हाँ बेस में नहीं आता ना, मैंने तभी हाँ, मैं भी पूछना चाहता हूँ। अच्छा यहाँ पे तो एक बार मैं देखता हूँ, आप चल के मुझे बताएं, मुझे पूरा बताएं कि कितना खर्चा किया आपने इस पर। अच्छा सेंसर वेंसर तो आते नहीं खैर बेस वेरियंट है, चलिए। हाँ क्योंकि मैं ओवरव्यू बनाया था ना फिर चैनल पर डाला मैंने, तो उसमें ये है कि मतलब ये आता नहीं बेस वेरियंट में, तो आपने डलवाया हुआ है। हाँ जी, ये कौन सी कंपनी का है? ये मेरा कंपनी है अल्फा का, अल्फा का। तो इसका एक कैमरे की क्वालिटी चेक करा दो मुझे, 360 तो इसलिए दिखा रहा है अभी ऐसा, जब चलने लगेगी ना तो ये सेटल हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात इसकी क्वालिटी अगर आप देखो, इसकी सबसे अच्छी बात है राइट हैंड साइड में देखो एक डोर आ गया पूरा, तो ये बिल्कुल विजिबल है क्लियर, ठीक है। ये गाड़ी को शेप भी चेंज कर सकते हो आप, और इसके एंगल्स भी चेंज कर सकते हो, जैसे ये किस एंगल से दिखाना, राइट में दिखाना, ये राइट आ गया, ये लेफ्ट आ गया, ठीक है। और ये आगे फ्रंट में इसको भी आप चेंज कर सकते हो। चलो ये तो बहुत है। ये पूरा सेटअप कितने का है लगा, मान लो किसी मेरे सब्सक्राइबर को लगवाना हो अपनी गाड़ी में, तो एक चीज और मैं सॉरी आपको बता रहा हूं, ये देखिए कितना वाइड एंगल है इसका, ये फ्रंट आ गया है भाई, ये बहुत वाइड है। तो ये फ्रंट कब तक आपको एक्टिवेट करना पड़ता है, जब चलाते हो तब? चलाते हो तब भी हो जाता है, जैसे मान लो आप गाड़ी पार्क कर रहे हो, पार्क करते वक्त भी ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाता है, ठीक है। और इसके अंदर एक चीज और है, इंडिकेटर के साथ भी एक्टिव हो जाता है, हालांकि अभी नहीं है, अभी नहीं हो रखा है ये, बट ये इंडिकेटर के साथ भी एक्टिव हो जाता है, जैसे आप राइट इंडिकेटर चलाओगे राइट जल जाएगा, लेफ्ट चलाओगे लेफ्ट जल जाएगा, इसमें एक्टिव नहीं हुआ है। तो ये टोटल सेटअप कितने का है बताओ? ये 17,500 रुपए का पड़ा था विद कैमरा और ये सिस्टम पूरा। तो सिस्टम ये एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कार प्ले है ना, सब सपोर्ट करता है भाई। किसी को लगवाना हो तो कमेंट कर देना, मैं भाई का नंबर दे दूंगा, भाई से कांटेक्ट कर लेना, वो उनके फ्रेंड की शॉप है। अच्छा अंदर ही बैठ के बात करते हैं, बाहर बहुत गर्मी है। तो जैसे आपने ये सब चीजें लगवाई, तो आपने ये नहीं सोचा कि मैं ये भी लगवा लूं इसमें जो पैनल वैनल या कंट्रोल्स लगवा लूं स्टीयरिंग? प्लान तो है इसे लगाने का भी, एक्चुअली मेरा प्लान था इसमें क्रूज कंट्रोल भी लगवा दूं, लेकिन वो एक्टिव नहीं हो पाएगा। क्यों वो नहीं? अच्छा नहीं हो पाता, हो ही नहीं पाता है, बट ये कि जिसको स्क्रीन के कंट्रोल्स हैं वो हो जाएंगे, बट वो प्लान है अभी करवाना है उसमें। अच्छा तो अभी तो हम सारे ओवरव्यू ऐसे डिस्कशन कर रहे थे आपकी गाड़ी, तो ये बाय डिफॉल्ट ऐसे ही आता है या आपने करवाया? एग्जैक्टली सेम, अच्छा एग्जैक्टली ऐसे ही आता है सारे चीज़ हैं जी। तो अब इसके वो बताओ आप मुझे, कहते हैं कि इसकी जो नेगेटिव्स बताओ, पॉजिटिव तो होते ही हैं हर गाड़ी के, नेगेटिव्स पे बात करते हैं। भैया नेगेटिव्स की मैं बात करूँ ना, इस गाड़ी का नेगेटिव्स एक ये है कि, नेगेटिव्स नहीं बोलूंगा बट मुझे पर्सनली लगता है कि इसकी जो इन्होंने ग्राउंड क्लियरेंस तो उठा दी है, बट लेकिन जो छत है ना वो नहीं उठाई। हालांकि आपको देखो मेरी 5'7" हाइट है, हेडरूम में कोई कमी नहीं है, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि ओवरऑल देखने पे ना, क्योंकि ये एसयूवी टाइप नहीं लगती, तो ये हैचबैक है, जबकि कंपनी इसको एसयूवी बोलती है, काउंट अगर आप कराओगे इसमें मारुति में तो एसयूवी बोलती है, तो हाइट इसकी नहीं बढ़ाई है, ऊपर से उठा दी है गाड़ी वैसे, तो एक तो ये है। दूसरा आप इस गाड़ी के अंदर बैठोगे और बलिनो के अंदर बैठोगे, आप थोड़ा सा बस यहाँ पे ये थोड़ा सा डिफरेंस है, उसका लेआउट का डिफरेंस है, दैट्स इट। उसके अलावा ये पैनल आप इसके जो एग्जैक्टली सेम चीज़ है, सीट्स की बोलो, पीछे रेयर सीट्स की, रेयर सीट्स की बात करो, तीनों जो हेडरेस्ट हैं इसके सीट्स के, जो एडजस्टेबल हेडरेस्ट हैं और 3-point सीट बेल्ट से, वो एग्जैक्टली सेम है बलिनो वाला, मतलब इवन की जो विंडोज में कर्टन्स भी लगते हैं ना, वो भी आप मार्केट में लेने जाओगे बलिनो वाले ही पहन लेते हैं और लग जाते हैं, एग्जैक्टली सेम साइज है, तो ये थोड़ा सा इसका ड्रॉबैक है। अच्छा तो ये मतलब आपको, अब मुझे जैसे मैं बैठा था मैंने इसमें व्यू, तो ये आपको लगता नहीं ये ऑब्स्टेकल क्रिएट करता है? ये है विजिबिलिटी में, विजिबिलिटी में करता है, देखो कि यहाँ पे देखिए कितना सही है, कम स्पेस रह जाता है, थोड़ा सा हाँ ये करता है, 100% है इसमें।
बट लेकिन ऐसा है कि हर चीज तो हर गाड़ी थोड़ा बहुत तो रहता है, मैं वैसे पूछा था नहीं, इसलिए क्या कि ऑडियंस कई बार वो कमेंट करती है ना तो पूछती है कि वो लें या ना लें, तो आप मुझे बता दो कि जैसे ये आपको पड़ी कितने की ऑन रोड? ये 9.5 लाख रुपए की पड़ी। साढ़े तो और कोई भी देख रहे थे इसके अलावा? पंच देखी थी ना, पंच आपने बता दिया, क्योंकि मैंने कहा देखो हुंडई की तरफ जाना है तो सबसे बढ़िया मारुति ले लो, ठीक है। दूसरा फिर अगर ये कि सेफ्टी वगैरह की तरफ से थोड़ा जाना है तो फिर मेरे दिमाग में इसलिए पंच भी थी, लेकिन पंच मैंने आपको बताया 3 सिलेंडर, आप उसके अंदर बैठोगे ना सीएनजी के अंदर आपको खुद ही वही वाइब्रेशन होती है। दूसरा उसके अंदर सीएनजी में थोड़ा सा वो आवाज भी ज्यादा चलती है। सर्विस आप जो कराते हो नेक्सा शोरूम में कराते हो? अभी नेक्सा पे हुई है इसकी, तो कितने कॉस्ट आ जाती है उसकी? मान लो अगर कोई प्लान करे 6-7 हज़ार के आसपास आई है। और ट्रीटमेंट अच्छा करते हैं? ट्रीटमेंट तो बहुत बढ़िया है। इवन की सर्विस भी जब हो जाती है ना तो एक फीडबैक कॉल भी आता है, उसमें भी ये कहते हैं आपने सर्विस कराई थी, आपने कैसा वहाँ पे बिहेवियर कैसा था स्टाफ का, उन्होंने आपको लगा तो नहीं कुछ एक्स्ट्रा चार्ज कर लिया कुछ भी ऐसा कुछ, मतलब ओवरऑल काफ़ी अच्छा है उनका सर्विस। तो अभी आप रेकमेंड करोगे किसी को वो लेना चाहता है कोई, मतलब जिसके बजट है 10 लाख तक का, तो आप क्या सोचते हो, मतलब आपका वर्डिक्ट क्या है, मतलब आप बताना क्या सजेस्ट करोगे किसी को? अगर आपको एक रिलायबल इंजन चाहिए, एक टेंशन फ्री गाड़ी चाहिए ना, तो आप 100% ले सकते हो। दूसरी बात इसमें आप चला के भी देखना, मैं आपको बताऊं, आप चला लेना सीएनजी के अंदर भी, इसका पिकअप देखना ज़बरदस्त है, इसीलिए मेरे को कंपनी फिटेड सीएनजी चाहिए थी। और मारुति की जो मेरी रिकमेंडेशन रही कि भाई मेरा प्रेशर भी रहा इस तरफ आने का, ये यही था कि मैं चलाया इसको सीएनजी में तो ज़बरदस्त थी और रिलायबल तो है ही मारुति का, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए ठीक है भाई, देखो ये भाई थे किशोर भाई जो दिल्ली से आए थे अपना जो ओनरशिप रिव्यू शेयर करने फ्रॉन्ग सीएनजी बेस वेरियंट का, भाई ने सारे डिटेल से हर एक क्वेश्चन का आंसर बहुत ही ईमानदारी से किया। भाई वीडियो पूरा एंड तक देखा करो, और अगर चैनल पर नए तो चैनल कर देना सब्सक्राइब, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दी वीडियो, सपोर्ट करो। और किसी को भी रिव्यू करवाना ना भाई, कमेंट कर दो कि भैया हमें भी अपनी गाड़ी का रिव्यू जी। भाई ऐसी सपोर्ट की जरूरत है भाई, जैसे किशोर भाई कह रहे हैं। चलो यार थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दी वीडियो।